थाना कटंगी के ग्राम सिरपुर से बीएमएलटी की एग्जाम देने बालाघाट परीक्षा केंद्र पहुंची एक छात्रा के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब छात्रा को परीक्षा केंद्र में उपस्थित शिक्षकों ने बताया कि जो एग्जाम देने में आज 11 जनवरी को आई है वह एग्जाम 9 जनवरी को ही हो चुकी है। जहां मायूस हो चुकी छात्रा ने अपने इंस्टीट्यूट में दूरभाष पर मामले की जानकारी दी, जिस पर इंस्टीट्यूट संचालक ने 9 जनवरी को ही एग्जाम संपन्न होने की जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे खींच लिया है। मामला स्वयं श्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जहां कटंगी निवासी रोशनी ठाकरे नामक छात्रा ने वर्ष 2018 में अपना एडमिशन लिया था। 3 वर्ष की इस पढ़ाई के दौरान छात्रा ने कॉलेज की पूरी फीस जमा कर दी, जिसके सेकेंड ईयर की एग्जाम वर्ष 2019 में हुई, जिसका रिजल्ट 2020 में आया। जहां 2020 में आए रिजल्ट में कॉलेज में से इंटरनल अंक कम देने के चलते छात्रा को माइक्रोबायोलॉजी विषय में पूरक आ गई। बताया जा रहा है कि पहले मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा इस पूरक विषय की एग्जाम 11 जनवरी को रखी गई थी, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर टाइम टेबल में संशोधन कर एग्जाम को 11 जनवरी की जगह 9 जनवरी कर दिया था। जानकारी के अनुसार छात्रा 9 जनवरी को ही एडमिट कार्ड के लिए कॉलेज गई थी, जहां कॉलेज में उपस्थित एक कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कर्मचारी ने संशोधित टाइम टेबल की जगह उसे 11 जनवरी का टाइम टेबल दे दिया। लेकिन टाइम टेबल में संशोधन होने और 11 जनवरी की जगह एग्जाम 9 जनवरी होने की जानकारी उसे नहीं दी, जहां छात्रा एडमिट कार्ड लेकर अपने घर चली गई। आज नियत तिथि 11 जनवरी को एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र गर्ल्स कॉलेज पहुंची तो सेंटर में उपस्थित शिक्षकों ने उसे यहां कहकर वापस कर दिया कि जिस विषय की परीक्षा देने वहां सेंटर आई है उस विषय की परीक्षा 4 दिन पूर्व ही 9 जनवरी को हो गई, जिसके चलते छात्रा नर्वस तो हो गई। वहीं कहीं से कोई मदद न मिलने पर छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन पर पूरा पैसा लेकर उन्हें गुमराह करने और एग्जाम से वंचित किए जाने का आरोप लगाया। कॉलेज आई थी मैं पेपर देने के लिए। कौन सा पेपर था? माइक्रोबायोलॉजी का था। कब से कब तक था? 2 बजे से 5 बजे तक। तो फिर क्या बोले यहाँ पे आने के बाद? यहाँ मैं आके देख रही थी, देखी मैंने जो रोल नंबर की सीरीज होती है उस सीरीज पे देखी, मेरा रोल नंबर ही नहीं था। फिर मैं कॉलेज वालों से कॉल करके पूछा कि मैम यहाँ मेरा नंबर ही नहीं है रोल नंबर। फिर उन्होंने बोला कि 9 को ही पेपर हो गया। जो मैं कॉलेज में यहाँ सेंटर में बात की कि मैम आज इसका पेपर है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पेपर जो माइक्रोबायोलॉजी का है वो 9 को ही हो चुका है। तो पता नहीं था कि 9? मैं 9 को गई थी कॉलेज और एडमिट कार्ड के लिए गई थी, तो उन्होंने बोला कि पोस्टपोन हो गया है 9 का पेपर, अब 11 को है। और सर एडमिट कार्ड में भी 11 ही डेट दी है, 9 नहीं है, तो मैं इसीलिए 11 को ही आई। एडमिट कार्ड कहाँ से मिला था? एडमिट कार्ड कॉलेज से मिला था। कौन से कॉलेज से? स्वयं श्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज बालाघाट। क्या बोली थी मैडम ने? मैडम ने ये बोला कि 9 का पेपर पोस्टपोन हो गया है, अब 11 को पेपर है, अब 11 को ही आइए। यहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल ने क्या कहा था आपको? यहाँ के प्रिंसिपल से मैंने आज बात किया, तो उन्होंने बोले कि 9 को ही हो गया है माइक्रोबायोलॉजी का पेपर, अब नहीं, अब जो नहीं। तो आपको तो एडमिट कार्ड 11 का मिला था, तो फिर आप कैसा करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते, और कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है। तो फिर मैडम क्या बोल रही है? मैडम को आपने नहीं बोले कि भाई आपने? मैडम बदल रहे हैं, रीता देशमुख है, नहीं सॉरी उसका मुझे कंफर्म नाम नहीं पता, बट रीता नाम है, सरनेम नहीं पता है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे तो पास होना है ना, मेरा साल बर्बाद हो रहा है। आपको सूचना मिल गई थी कि पेपर जो है 11 की जगह 9 का हो गया है। जब बच्ची 9 तारीख को पेपर लेने के लिए आई थी, एडमिट कार्ड लेने आई थी, तब उसको क्यों नहीं बताया गया कि आपका पेपर 8 का हो गया है? ये मुझे नहीं पता, जिन्होंने एडमिट कार्ड दिया उनसे आप पूछ सकते हैं। आपने आपके जो संबंधित है रीता मैडम उनसे बात की थी? उनसे मैंने आज ही बात की। क्या बोले? उन्होंने बोला कि सर मैंने इसको बताया था कि तुम्हारा एडमिट कार्ड में 11 की डेट आई है, बट तुम देख लो पेपर शायद आ गया। मुझे शायद आ गया, उनको भी कंफर्म नहीं था क्या? उन्होंने ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ा था। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके रीता मैडम की वजह से एक बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, जैसे अगर बच्ची की एग्जाम फीस अगर पूरी जमा नहीं हो पाती है, तो क्या आपकी संस्था संपर्क करती बच्ची से कि आप फीस जमा कीजिए एडमिट कार्ड लिए? देखिए एग्जाम फॉर्म जो फिल होते हैं वो ऑनलाइन फिल होते हैं, जब तक बच्चे की फीस जमा नहीं होती तो एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होता। ओके, नहीं तो अगर इसकी अगर फीस रहती है तो अपन तो बार बार फोन करके बात करते हैं कि बेटा आपकी इतनी फीस बकाया है, आप दे दो, या आपके जो संबंधित स्टाफ है वो देता है, तो फिर एग्जाम के लिए उसको क्यों नहीं बताया गया? सर एग्जाम के एक दिन पहले ही यूनिवर्सिटी से ये हम लोगों को भी अपडेट हुआ कि पेपर माइक्रो का होगा। बाकी बच्चों को आपने? सारे बच्चों को रात के 7:30 बजे पता चला है 8 तारीख। ये बच्ची ग्रुप में नहीं थी? ये बच्ची ग्रुप में नहीं थी।
तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए था आपके उनको संबंधित टीचरों को कि भाई ये बच्चे को भी जानकारी दे दी। हाँ, तो संबंधित लोगों को मालूम होना चाहिए था, बट मेरे कांटेक्ट में और मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था कि इस बच्चे का एग्जाम है। ये व्यक्ति कोई 2017 बैच की बच्ची है, ये मुझे नहीं पता। तो एडमिट कार्ड देने वाले को तो पता होगा कि इसका भाई आज के एग्जाम है। हाँ, पता होगा। यानी आप ये मानते हैं कि अगर सही वक्त पे उसको जानकारी मिल जाती? हाँ, अगर सही वक्त पे उसे जानकारी मिल जाती या वो कॉलेज से पूछ लेती तो वो शायद पेपर दे पाती, या कॉलेज बता देता कि आपका आज ही पेपर है। हाँ, तो अब क्या होगा सर? अब तो अभी कुछ नहीं पूछते थे सब। फीस लेते समय तो पूरे कॉलेज एक एक चीज़ें बताते हैं। अब आप जब एग्जाम है तो जब बच्ची का एग्जाम है तो बच्ची को भी कॉलेज से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अकेले किसी एक मैम से नहीं, सारे बच्चों से, सारे टीचर से, प्रिंसिपल से, हर किसी से बच्ची को कांटेक्ट करना चाहिए कि सर मेरा एग्जाम है, कब होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी गलती बच्ची की है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्ची को भी कॉलेज के सभी लोगों से कॉन्टेक्ट में होना ताकि वो कहीं से भी अपडेट हो जाती, या तो बच्चों से अपडेट हो जाती या प्रिंसिपल सर से अपडेट हो जाती।